दो भी नौजवान लड़का गोडे तो ऊपर कच्चा या निकर पैर के गाला में निकलेगा, उस पर कानून कार्रवाई करी जाएगी। इस पिंड च लगी कच्चा पाउण ते रोक, पिंड दी पंचायत ने लिया वड्डा फैसला। महिलावां नूं वेख के कीता गया फैसला, नियम तोड़न वाले ते कीती जावेगी FIR। दस दें कि इस पिंड दे विच एक अजीब फैसला लिया गया, जिथे हुण पिंड दे विच निकरां अते कच्छे पाउण ते रोक लगा दिती है, जिस तों बाद पिंड च असर भी वेखण नूं मिल रहा है ते पिंड दा चौकीदार इन्हां ते नज़र रखदा है ते जिहड़ा भी नियम तोड़ेगा तां पहलां तां उस नूं समझाया जावेगा ते फिर जेकर वह फिर भी नहीं मनता तो उत्ते FIR की जाएगी। तो इस खास गल ये है कि इस फैसले तो पिंड का हर एक बंदा खुश है, पर सवाल यह भी उठता होगा कि अजिही की मजबूरी हो गई कि पिंड की पंचायत ने निकरा ते कच्छे पाउंते रोक लगा दी। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੰਗ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਰ ਤੇ ਕੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, पर जेकर कोई भी छोटे कपड़े पाउंदा है तो उसते सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अजिहे फैसलों का जिथे विरोध वेखण नूं मिलदा है उत्थे ही इस फैसले की पिंड दे लोकां दे वल्लों तारीफ की जा रही है। तो दस दईए कि फैसला भिवानी दे पिंड गुजरानी दे विच लिया गया, जिथे कि निकरां ते कच्छे पाउण ते पिंड की पंचायत दे वल्लों रोक लगा दी गई है। ये फैसला लिया है जी, कच्छा और निकर डाल के नौजवान तबका गलियों में भी घूमता है, हर जगह सोशल जगह पे भी जाता है, जैसे बैंक में चले गए, स्कूल, यहाँ तक कि स्कूल में भी जाते हैं, जहाँ हैंडपम्प पे महिलाएं पानी भरती हैं वहाँ भी जाते हैं, हर जगह ये जाते हैं, स्कूल में, बैंक में, डाकखाने में, जो हमारे से बता के बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गाँव का हमारा माहौल है, इसमें अदब बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी सभ्यता को जिंदा रखने के लिए हमने ये फैसला लिया कि कच्छे में जो आदमी घूमता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, और ये हमारे गांव का फैसला है और इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। तो क्या पूरे गांव की पंचायत ने मिलकर फैसला लिया है? हाँ जी, हाँ जी, ये इंडिविजुअल फैसला नहीं है, ये गाँव की पंचायत का फैसला है, और इसमें कोई भी आदमी नाराज़ नहीं है इस फैसले से, बल्कि सब आदमी खुश हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि इन फैसलों में वो मदद करें हमारी, जहां हमारी ज़रूरत होती है हम उनके मदद करते हैं, हमें उनकी ज़रूरत है तो मदद करनी चाहिए। जो भी हमारे विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, हर जगह महिलाएं हैं, ये फैसला, कितने आदमी हैं बाजार में, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। बात आई थी कि घर पे भी जाते हैं, साइन करवाने आते हैं, वहाँ बद्दे लगते हैं, बद्दे लगते हैं, ये तो हर आदमी सोच भी सकता है। एक आदमी आधी बनियान आधा कच्छा डाल के घर जाता है, हाँ जी सरपंच साहब, तो महिला आती अंदर से, सामने वो बूथ खड़ाई दिखाई देता है, क्या बोलेंगे, असहज महसूस करती हैं, बोलना पड़ता है मजबूरी में किसी आदमी को भेजो भाई, क्यों? ये तो जो युवा तबका है वो यही डालता है, और हमारा फैसला लेने के बाद पूरा असर है, 70% जो है ना लोग, बच्चों ने डालना छोड़ दिया, जो डालता उसको टोक देते हैं। किस प्रकार का सजा का प्रावधान किया है, अगर कोई डालता है तो जुर्माना लगाएंगे, सजा करवाएंगे, FIR करवाएंगे, क्या करवाएंगे? अभी तो प्रावधान ये है कि पहले बच्चे को बोलेंगे, लड़के को बोलेंगे, फिर उसके बाप को बोलेंगे, फिर भी नहीं मानेगा तो उसको समझाएंगे, उसके बाद भी नहीं मानेगा तो एक गांव में पंचायत बिठाई जाएगी, वो फैसला लेगी गाँव के पंचायत स्तर पर, उससे भी नहीं मानेंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे इसके खिलाफ शांति भंग करने की और आवारागर्दी करने की FIR लॉन्च कराई जाए। क्या पंचायत के स्टाम्प पर या कहीं कि जो आपका पंपलेट होता है उस पर लिखित में ये फैसला लिया गया है? उसमें लिखित पर सब कुछ है, लिखित में ये जो अभी गांव स्तर पे लिया गया है, जब ऐसी बात आएगी तो हर चीज़ करनी पड़ेगी। तो गांव के लोग क्या क्या मानते, कितना सहयोग दे रहे हैं आपके? पूरा सहयोग दे रहे हैं, सब आदमी टोकते हैं, सब आदमी अच्छे से मानते हैं इस चीज़ को, गाँव सहयोग नहीं देता तो ये फैसला ही नहीं होता। फिर
गांव ने अच्छा सहयोग दिया है, दे भी रहा है। हमारे सरपंच ने जो कच्चे गांव में बहुत ज़्यादा कच्चे पहनते थे, वो कच्चे को फैसला लिया कि कच्चे नहीं पहनने हैं। गोड्डे से ऊपर का भी कच्चा पहनते थे, जो सार्वजनिक जगह पर जाते थे, जैसे बैंक में चले गया, स्कूल में भी जाते थे, नलके पे पानी भर रही है, जैसे लेडीज भी आती हैं वहाँ पर भी कच्चा पहन के खड़े हो जाते थे, गलत लगता था वो बहुत ज़्यादा। इसके कारण गांव में सरपंच के घर साइन करवाने जाते थे, वहाँ पर भी कच्चा पहन के चले जाते थे, जो अच्छा नहीं लगता था। सरपंच ने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया लिया है, और हमारे गाँव के सरपंच साहब ने जो फैसला लिया है हम उसके साथ हैं, और लगभग गाँव के आदमी उस सरपंच जी के साथ हैं, और जो बहुत ही सराहनीय फैसला लिया गया है, इस फैसले का असर धीरे धीरे हमारे गांव में दिखना भी शुरू हो गया है। बहुत से लोगों ने जो निक्कर और कच्चा पहन के घूमते थे गलियों में, वो घूमना बंद कर दिया है। पहले बच्चों को समझाया जा रहा है कि आप ऐसा ना करें, और अगर बच्चा नहीं मानता है तो उसके घर पर जाके सरपंच साहब और मेम्बर साहब जो हैं वो उनके घर पर जाके बोलते हैं। इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है, और भविष्य में इसके ऊपर अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर और सख्त फैसले लिए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है, ये चीज़ें सार्वजनिक जगह पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। घर में आप कैसे ही रहो, वो इंडिविजुअल फैसले हैं, उसके लिए कोई बैन नहीं है, वो किसी तरीके से रह सकते हैं। लेकिन जब सार्वजनिक जगह पे आएंगे तो वहाँ पे हमने थोड़ी सी पाबंदी की कोशिश की है गाँव की तरफ से, और ये बहुत ही अच्छा फैसला है, और गाँव में भी ऐसा लागू होना चाहिए।